शुद्धि के लिए जो अभियान चलाया जा रहा है। हालांकि रूटीन में फूड सेफ्टी ऑफिसर द्वारा सैंपल लगातार नियमित रूप से लिया जा रहा है, लेकिन अभी जो सघन अभियान चलेगा इसमें विशेषकर जो मिठाई दुकान है नकली मावा आने के चांसेस रहते हैं, इसको लेकर एक सघन अभियान चलाया जा रहा है। और सभी उद्योगवासियों से निवेदन है, अगर आपको ऐसा कुछ लगता है ये नकली माल बेच रहा है या नकली मावा का उपयोग करने वाला है या कर रहा है, तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सअप करें, पर्सनली टेक्स्ट मैसेज करें या कॉल करें, वहाँ पे आपके नाम को उजागर नहीं करेंगे और हमारी टीम उसके विरुद्ध कार्रवाई करेगी। सैंपल लेने में काफ़ी लेट सैंपल आता है, जब लिया जाता है जांच रिपोर्ट काफ़ी लेट आती है, इसको लेकर कोई नई व्यवस्था? देखिए, फूड टेस्टिंग लैब है, इसलिए जितने भी सैंपल लेते हैं उसका जो टाइम लगता है उसमें जो प्रोसेस है उसमें टाइम लगता है हालांकि, और हमारी कोशिश रहती है क्योंकि जल्दी से जल्दी इसका रिज़ल्ट आ जाए, और जो जिसका रिज़ल्ट जल्दी ज़रूरत है, जो भाई जगह हमने कोई क्विंटल 4-5 क्विंटल मावा पकड़ा है, तो उसकी हम कोशिश करते हैं उसकी रिपोर्ट जल्दी आ जाए। अगर वो ख़राब है तो उसको नष्ट करें, और सही है तो उसको यूज़ करने के लिए परमिशन देते हैं।